चुका, मंजूर हो गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तो जोगीराम सिहाग और अनूप धानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने फोन पर इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए जानकारी दी है। जोगीराम सिहाग और अनूप धानक का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। स्पीकर ने फोन पर इंडिया न्यूज को जानकारी दी है, जोगीराम सिहाग और अनूप धानक का इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। तो दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, सूत्रों के हवाले से खबर भी मिल रही है। स्पीकर ने इंडिया न्यूज को फोन पर जानकारी दी है जोगीराम सिहाग और अनूप धानक के इस्तीफा स्वीकार करने की। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। जोगीराम सिहाग और अनूप धानक का इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है। जोगीराम सिहाग बीजेपी में शामिल होंगे और अनूप धानक भी बीजेपी में शामिल होंगे, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो सूत्र बता रहे हैं कि दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सोमवीर सागवान का इस्तीफा भी स्वीकार हो गया है। स्पीकर ने इंडिया न्यूज को फोन पर इस बात की भी जानकारी दी है, सोमवीर सागवान का इस्तीफा भी स्वीकार हुआ है। अनूप धानक और जोगीराम सिहाग बीजेपी में शामिल होंगे, सूत्र बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, सोमवीर सागवान का भी इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं हम। स्पीकर ने फोन पर जानकारी दी है इंडिया न्यूज को, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सोमवीर सागवान का भी इस्तीफा स्वीकार हो गया है। जोगीराम सिहाग, अनूप धानक, सोमवीर सागवान का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी में शामिल होंगे जोगीराम सिहाग और अनूप धानक की ये खबर मिल रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, स्पीकर ने फोन पर जानकारी दी है। साहिल रुखाया फोन लाइन पर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, क्या कुछ जानकारी स्पीकर की तरफ से दी गई है विधायकों के इस्तीफा स्वीकार करने को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों जोगीराम सिहाग, अनूप धानक और सोमवीर सागवान की ओर से अपना इस्तीफा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को जो है वो भेजा गया था, और आज ये इस्तीफा जो है वो स्वीकार कर लिया गया है। और जिस तरीके से रामनिवास सुरजाखेड़ा की ओर से भी इस्तीफा जो है वो भेजा गया था, जब इस बारे में हमने स्पीकर से बातचीत की थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हमारे पास इस्तीफा नहीं आया। तो आज स्पीकर की ओर से कहा गया कि रामनिवास सुरजाखेड़ा का इस्तीफा हमारे पास आ चुका है, लेकिन उसके अंदर जो है वो ठीक तरह से कोई जो है मेंशन नहीं किया। तो जो रामनिवास सुरजाखेड़ा का इस्तीफा है वो वापस भेज दिया गया है और कहा गया कि इसको ठीक करके भेजा जाए, उसके बाद ही रामनिवास सुरजाखेड़ा का इस्तीफा एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ऐसे में जोगीराम